हे गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, एंड दिस इज योर प्यारा सा चैनल लव यू कमेस्ट्री एंड माई सेल्फ आर के राजपूत। सो मैं आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक लेके आया हूँ, दैट इज़ योर बायो इनऑर्गेनिक। सो ये टॉपिक को आपको करके ही जाना है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको कम से कम 10 से 16 नंबर आपको नेट जीआरएफ में ही दिला देता है और बहुत ही कूल टॉपिक है। सो स्टार्ट करते हैं बायो इनऑर्गेनिक। बायो इनऑर्गेनिक, ओके। सो व्हाट इज बायो इनऑर्गेनिक? बायो इनऑर्गेनिक नथिंग इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ मेटल ऑन द सेलुलर लेवल। मीन्स आप सेलुलर लेवल पे क्या करते हो, मेटल का स्टडी करते हो। ओके, गॉट इट। सो इसमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपकी पोरफायरिन। सो सबसे पहले आप देख लो पोरफायरिन होता क्या है। सो इसमें जनरली चार पायरोल रिंग होती है और वो चार पायरोल रिंग अटैच होती है एक एक सी एच यूनिट से। देखो यहाँ पे चार पायरोल रिंग, 1 2 3 4 पायरोल रिंग इससे अटैच है, एक एक सी एच यूनिट से अटैच है सी एच। और यहाँ पे भी आपके हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। ओके, गॉट इट। यहाँ पे आपके हाइड्रोजन होंगे, क्लियर ना? यहाँ पे आपके हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे और इसमें जो आपके चार नाइट्रोजन हैं उनमें से दो नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन होंगे और दो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर्स होंगे। गॉट इट, ओके। नाउ इसमें जो है अल्टरनेटिव वो डबल बॉन्ड्स होते हैं, लाइक डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, 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 डबल बॉन्ड। सो देर आर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पाई बॉन्ड्स। हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स? 11 पाई बॉन्ड्स मीन्स 22 इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स। 22 पाई इलेक्ट्रॉन्स मीन्स इट विल फॉलो 4n+2 रूल, मीन्स हकल रूल, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल, वेयर वैल्यू ऑफ n इज 5, दैट इज 4 × 5 + 2, 4 × 5 = 20 + 2 = 22। सो दिस इज एन एरोमेटिक कंपाउंड, दिस इज एन एरोमेटिक कंपाउंड, गॉट इट। नाउ एज यू नो एरोमेटिक कंपाउंड गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक ट्यूशन रिएक्शन, सो इट विल ऑल्सो गिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, द कलर ऑफ दिस कंपाउंड इज पर्पल कलर एंड दिस कलर इज ड्यू टू पाई टू पाई स्टार इंट्रामोलिकुलर और इंट्रा लिगेंड ट्रांजिशन, पाई टू पाई स्टार इंट्रा लिगेंड ट्रांजिशन। ओके, नाउ देयर आर 4 हाइड्रोजन, फॉर दीज हाइड्रोजन्स आर कॉल्ड मेजो हाइड्रोजन्स, मेजो हाइड्रोजन्स। सो हाइड्रोजन्स विच आर अटैच्ड टू सी एच यूनिट, which are present in CH unit, these hydrogens are called mesohydrogen, and the hydrogens which are attached to the pyrrole ring are called beta hydrogen. These hydrogens are called beta. So there are 3 type of hydrogens, mesohydrogens, NH wale hydrogen and aapke beta hydrogens. Utar lo. So it's very important for your biochemistry, bioinorganic. I have to from you. Okay. Now, अब है आपका formation of porphyrin ring. देखो formation के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं जो है चार pyrrole ring लेता हूँ। This is your pyrrole. This 4 pyrrole ले लेता हूँ plus 4 फॉर्मेल्डिहाइड ले लेता हूँ HCHO इन द प्रेजेंस ऑफ DDQ,
डीडी क्यों आप लोगों को पता होगा ऑर्गेनिक में बढ़ा होगा, ये एक रिएजेंट है जो क्या करता है एरोमेटाइजेशन करता है। इसका एरोमेटाइजेशन कर देगा तो आपको क्या मिल जाएगा, पोर पायरीन रिंग मिल जाएगा। गॉट इट? सो यू विल गेट पोर पायरीन रिंग। व्हाट इज डीडी क्यू? सो डीडी क्यू इज नथिंग बट डाइक्लोरोडाइसाइनोक्विनोन। दिस इज योर DDQ, डाइक्लोरोटाइसाइनोक्विनोन। ये क्या करता है आपका एरोमेटाइजेशन करता है, ये क्या करता है आपका एरोमेटाइजेशन करता है। ओके गॉट इट? सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ योर पोरपायरिन रिंग। Now there is a very important property of porphyrin ring, that is your spectral property. Spectral property. Spectral property. So क्या होता है spectral property? जिसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं NMR. इसका सबसे पहले हम NMR यानी कि spectral property में हम इसके spectrums पढ़ेंगे NMR, IR, UV. So सबसे पहले हम NMR पढ़ते हैं। अगर मैं NMR की बात करूँ तो देखो मैंने porphyrin ring में क्या बताया था, हम बना ही लेते हैं एक बार porphyrin ring। This is your porphyrin ring. Okay. Now you can see there are three types of hydrogen. One is your meso hydrogen, another one is your NH hydrogen, and another third one is your beta hydrogen. So it will give three type of NMR peak, 1H NMR peak. So ये 1H NMR peak तीन type की 1H NMR देगा। पहला किसके कारण देगा? Meso hydrogen की वजह से देगा। There are 1, 2, 3, 4 मीजो हाइड्रोजन, फोर मीजो हाइड्रोजन की आपको वन पीक मिलेगी। कितना पीक मिलेगी? वन पीक मिलेगी। और कितने पे मिलेगी? वो मिलेगी डेल्टा इज इक्वल टू 4.2 ppm। गॉट इट? योर नेक्स्ट हाइड्रोजन इज बीटा हाइड्रोजन। बीटा हाइड्रोजन, नाउ देर आर 8 बीटा हाइड्रोजन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 बीटा हाइड्रोजन, दे विल गिव 8 बीटा हाइड्रोजन विल गिव वन पीक, दैट इज अराउंड 8 ppm। Got it? And your last one is your NH hydrogen. So these are your two hydrogen will give one peak, and that is around -2 to -3 ppm. Got it? So this is your NMR spectra of porphyrin ring, and this is very important. देखते हैं एक बार कैमरे में आ रहा है या नहीं आ रहा है. Okay, perfect. Got it? Next one is your IR spectrum. Okay, so let us see IR. Oh my god, chalo theek, your IR spectroscopy. So in IR spectroscopy the NH hydrogen will give you a shift, a frequency of NH, stretching frequency of NH will around 3300 cm inverse। IR स्पेक्ट्रम में ये क्या जो NH वाला बॉन्ड है वो कितना स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी देगा? 3300। और बाद में बात आती है यूवी विजिबल। यूवी विजिबल में अगर मैं इसका प्लॉट देखूं तो इधर आपका एब्जॉर्बेंस और एब्जॉर्प्शन और इधर आपका लैम्डा मीन्स वेवलेंथ, सो इट विल गिव अ ब्रॉड पीक एंड थ्री स्मॉल पीक्स। दीज थ्री स्मॉल पीक्स आर कॉल्ड क्यू बैंड एंड दिस is called broad band or B band. Got it? So this is your UV spectra. So you have seen the IR spectra, the NMR spectra and the UV spectroscopy. Got it? It is very simple and very very interesting. Okay. Okay. Next thing is your metalloporphyrin.
मेटलोपोरपायरिन। सो व्हाट इज मेटलोपोरपायरिन? जब आपकी जो पोरपायरिन रिंग है उसमें एक मेटल एंटर करता है। अब देखो मैंने आपको बताया है ये जैसे कि आपकी पोरपायरिन रिंग है, हम एक काम करते हैं इस पोरपायरिन रिंग को साइड बना लेते हैं, फिर रब नहीं करनी है क्योंकि बार बार बनानी पड़ती है, एंड दिस इज नथिंग बट टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस टू मेक पोरपायरिन रिंग बैक टू बैक। इस बार हम इसे रब नहीं करेंगे। ओके, सो दिस इज डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। सो दिस इज योर पोरपायरिन रिंग। हियर देर आर टू हाइड्रोजन एंड हियर देर आर टू लोन पेयर। ओके नाउ अब क्या हो सकता है इसमें, अगर मैं देखूं तो दो नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन है और दो नाइट्रोजन के पास क्या है लोन पेयर है। So these two nitrogens will behave like a base because ये क्या करेंगे proton accept कर सकते हैं, और these two nitrogens will behave like a acid क्योंकि ये hydrogen क्या कर सकते हैं proton को क्या कर सकते हैं donate कर सकते हैं। और you can say if these two nitrogen will lose the hydrogen, अगर ये hydrogen lose करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा dianion बनेगा, means आपको dianion मिल जाएगा। और अगर आप डाई एनायन का फॉर्मेशन करके यहाँ पे एक मेटल को ले आओ तो मेटल क्या होगा यहाँ पे इसमें यहाँ स्किन से जुड़ जाएगा, यानी कि मेटल का इंसर्शन हो जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड योर मेटलोपोरपायरिन। मींस पोरपायरिन रिंग में मेटल का इंसर्शन क्या कहलाता है मेटलोपोरपायरिन कहलाता है। गॉट इट? ओके नाउ आपका क्वेश्चन आया था एक नेट 2016 में, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि बाय द फॉर्मेशन या आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ मेटलोपोरपायरिन देर आर हाउ मेनी सिक्स मेंबर एंड फाइव मेंबर रिंग, मींस इस मेटलोपोरपायरिन रिंग के फॉर्मेशन के बाद कितने सिक्स मेंबर रिंग हो गए और कितने फाइव मेंबर रिंग हो गए। सो एज यू कैन सी 1 2 3 4 दीज फोर आर फाइव मेंबर, सो फाइव मेंबर रिंग आर फोर। ओके नाउ सिक्स मेंबर, सो दिस एज यू कैन सी 1 2 3 4 5 6, सो दिस इज अ सिक्स मेंबर रिंग, दिस इज ऑल्सो सिक्स मेंबर रिंग, दिस इज ऑल्सो सिक्स मेंबर रिंग, एंड दिस इज ऑल्सो अ सिक्स मेंबर रिंग, सो देर आर ऑल्सो फोर सिक्स मेंबर रिंग, सो फोर फाइव मेंबर रिंग फोर सिक्स मेंबर रिंग। दिस वॉज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन इन दिसंबर, आई थिंक दिसंबर 2016। वॉट इट? ओके नाउ नेक्स्ट द स्टेबिलिटी ऑफ मेटल आयन्स, मेटल द स्टेबिलिटी ऑफ मेटल आयन इन मेटलोपोरपायरिन, मींस मेटलोपोरपायरिन के फॉर्मेशन में जो मेटल का स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है वो क्या होता है, तो वो होता है आपका निकिल प्लस टू देन कॉपर प्लस टू देन आयरन प्लस टू सॉरी कोबाल्ट प्लस टू देन आयरन प्लस टू एंड देन जिंक प्लस टू। दिस इज द ऑर्डर, मीन्स जो सबसे ज़्यादा स्टेबलाइजेशन देगा वो निकिल प्लस टू देगा, उससे कम कॉपर प्लस टू देन कोबाल्ट प्लस टू देन आयरन प्लस टू एंड देन जिंक प्लस टू। सो दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ मेटलोपोरपायरिन। गॉट इट? ओके आफ्टर मेटलोपोरपायरिन, ओके मैं कहता हूँ कि मेटलोपोरपायरिन बनने के बाद इसकी स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज में क्या क्या डिफरेंस आएंगे। सो आप देख सकते हो जैसे ही मेटलोपोरपायरिन बनती है इसमें क्या होता है, ये जो दो हाइड्रोजन से नाइट्रोजन से जुड़े हुए यहाँ से हट जाते हैं। तो अगर मैं एनएमआर पीक देखूँ जहाँ पे पहले तीन एनएमआर पीक आती थी ना जैसे कि ये टीएमएस है, तो एक एनएमआर पीक तो आती थी आपकी, ये रेफरेंस है टीएमएस, एक एनएमआर पीक तो आती थी -2 to -3 इधर लाइक से -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो एक पिक तो इधर आती थी, एक पीक आती थी आपकी मेजो हाइड्रोजन की 4.2 पे अराउंड यहाँ पे, एक पीक आती थी आपकी 8 पे बीटा हाइड्रोजन की, तो ये आपकी तीन पिक मिलती थी।
अब क्या होगा, अब आपका नाइट्रोजन वाला हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गया, तो ये पीक नहीं आएगी, तो ओनली ये दो पीक आएगी, ठीक है ना। तो NMR में क्या होता है, एक पीक रिमूव हो जाती है NH वाली, तो अब दो पीक आने लगती है, एक आती है 4.2 ppm पे और दूसरी आती है 8.0 ppm पे। ओके गॉट इट। नेक्स्ट वन इज IR स्पेक्ट्रा। सो IR स्पेक्ट्रा में क्या होता था, जनरली जो NH हाइड्रोजन NH बॉन्ड है, NH बॉन्ड का आपका स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी आता था 3300 सेंटीमीटर इनवर्स। अब वो फ्रिक्वेंसी तो आएगा नहीं क्योंकि NH बॉन्ड ही नहीं रहा, तो ये फ्रिक्वेंसी नहीं आएगा IR में। अब मैं UV की बात करूँ, तो UV में आप देख रहे थे ये आपका एब्जॉर्प्शन है, ये आपका लैम्डा है, तो यहाँ पे एक ब्रॉड बैंड आता था, तीन छोटे छोटे बैंड आते थे क्यू बैंड, अभी क्यू बैंड नहीं आ रहे, तो ओनली एक आपको एक ब्रॉड बैंड मिला जैसे ये आपने देखा। तो आपकी ये स्पेक्ट्रल चेंजेस आपके आते हैं आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑफ 4π। कैमरा देख लेते हैं एक बार। ओके सो यहाँ तक समझ में आया। अब देखो, अब अगर मैं मेटल ऑफ 4π का एक स्पेसिफिक केस देखू, तो दैट इज योर हीम, दैट इज योर हीम। व्हाट इज हीम, और यू कैन से हीम ग्रुप। व्हाट इज योर हीम ग्रुप, हीम ग्रुप इज नथिंग बट द मेटल ऑफ 4π व्हिच हैज द मेटल आयन, व्हिच हैज द मेटल आयन Fe+2 और Fe+3। मीन्स इस मेटल ऑफ 4π में जो मेटल है इसकी जगह या तो Fe+2 होगा या Fe+3 होगा। दिस इज योर मेटल ऑफ 4π। अब जो मेटल ऑफ 4π वो सभी जो आपका हीम का जो कलर होता है वो कलर होता है रेड कलर होता है। कैसा कलर होता है, रेड। ये किसके कारण होता है, ये होता है आपका DO2-MLCT मेटल टू लिगैंड चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। ओके जी, ये आपने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, नहीं पढ़ा होगा तो हम जब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। ओके MLCT। बट यहाँ पे भी क्या होता है, अगर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा हो जाती है, अगर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा हो जाती है तो यहाँ पे LMCT होने लगता है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल कम होती है तो यहाँ पे MLCT होता है। जनरली π-π आपका इंट्रालिगेंड ट्रांजिशन है, ठीक है ना, जिसके कारण इसका कलर कैसा आता है, रेड कलर आता है। उतार लो भाई, यहाँ तक समझे। ओके, अब हम मेटल ऑफ 4π या आप कह लो हम एक स्पेसिफिक जो मेटल ऑफ 4π पढ़ रहे हैं, अब हम उसके कुछ कंपाउंड्स पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो उसमें जो सबसे पहले जो आता है वो आता है ऑक्सीजन या डाई ऑक्सीजन स्टोरेज सिस्टम, यानी कि हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन, जो डाई ऑक्सीजन को क्या करता है, स्टोर करता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और वो आपको भली बात ही पता है, वो क्या होता है, मायोग्लोबिन। क्या होता है, मायोग्लोबिन, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय MB। सो व्हाट इज मायोग्लोबिन, सो मायोग्लोबिन इज नथिंग बट हियर द मेटल इन मेटल ऑफ 4π और हीम ग्रुप, दैट इज योर Fe2। सो हियर देयर इज योर Fe2 एंड दिस इज प्रेजेंट इन मेटल ऑफ, ओके मैं मेटल ऑफ 4π को ऐसे शो कर रहा हूँ, मैं बाहर की आपकी पायरोल रिंग दिखा रहा हूँ, ये पायरोल रिंग के नाइट्रोजन है, बस मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ। ये आपकी हीम ग्रुप, इस हीम ग्रुप से ऊपर जुड़ा होता है आपका हिस्टिडाइन और एक साइड आपका, ध्यान से देखना, ये आपकी पोजीशन 1, 2, 3, 4, 5, ये फिफ्थ है और ये सिक्स्थ पोजीशन है, ठीक है ना। मैं आप जब भी लूँगा इसे फिफ्थ पोजिशन लूँगा, इसे सिक्स्थ पोजिशन लूँगा। सो दिस इज योर मायोग्लोबिन। अब मायोग्लोबिन भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका डी ऑक्सी मायोग्लोबिन और एक होता है आपका ऑक्सी मायोग्लोबिन। क्या होता है इसमें डिफरेंस, क्या होता है, जो आपका ये है Fe+2 MMM, जो आपका ये होता है इधर स्टडी में प्रोटीन चेन का, और इधर आपका, अगर यहाँ पे फिफ्थ पोजीशन पे आपका वाटर जुड़ा है, फिफ्थ पोजीशन पे क्या जुड़ा है, वाटर जुड़ा है, तो दैट इज कॉल्ड डी ऑक्सी मायोग्लोबिन। और अगर मैं फिफ्थ पोजीशन पे डाई ऑक्सीजन जोड़ दूँ, फिफ्थ पोजीशन पे क्या कर दूँ, डाई ऑक्सीजन का इंसर्शन कर दूँ, यानी कि वाटर हटाऊँ और यहाँ पे क्या जोड़ दूँ, डाई ऑक्सीजन जोड़ दूँ, लाइक दिस। सो दिस इज कॉल्ड योर ऑक्सी मायोग्लोबिन एंड दिस एंगल इज
अराउंड 136 डिग्री. गॉट इट? ओके. इसमें मायोग्लोबिन में जो एमिनो एसिड्स होते हैं, क्या होते हैं एमिनो एसिड्स, जनरली अल्फा एमिनो एसिड्स जो होते हैं वो आपके 153 होते हैं. 153 एमिनो एसिड इसमें प्रेजेंट होते हैं. और अगर मैं बात करूं इसका जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है, ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट है. कैसा है? ऑक्टाहेड्रल. एज यू कैन सी दिस इज योर स्क्वायर प्लेनर, दिस इज योर स्क्वायर प्लेनर एंड दीज आर टू लाइक दिस. सो दिस इज टाइप ऑक्टाहेड्रल टाइप, राइट? दिस इज नॉट स्क्वायर प्लेनर, यू कैन से दिस इज दिस इज योर ऑक्टाहेड्रल. सो दिस दिस आयरन फेज ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट ओवर हियर. नाउ अब अगर हम देखें इस डाई ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर, सो जनरली अगर मैं यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे अगर मैं फ्री डाई ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर देखूँ, क्या देखूँ? बॉन्ड ऑर्डर, तो वो कितना होता है? 2 होता है. लेकिन यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर है वो आपका कितना है? 1.5, और यू कैन से 3/2. दिस इज योर बॉन्ड ऑर्डर ओवर हियर. एंड द फ्रिक्वेंसी एंड द स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी ऑफ O2 in free state is 1560 centimeter inverse, 1560 centimeter inverse. But यहाँ पे जो stretching frequency O2 की जो myoglobin से O2 जुड़ा है उसके 1160 centimeter inverse. ये इसमें changes आते हैं. और अगर मैं बात करूँ myoglobin के molecular weight की, the molecular weight of myoglobin is 17,000 dA. Okay, so this is the weight of the myoglobin. Got it? And 1 diopter is equal to 1.66 into 10 to the power minus 27 kilogram, or you can say 1.66 into 10 to the power minus 24 gram. So this is your, okay, got it? Sorry guys, there are some interruptions. So the free state में जो static frequency होती है 1560 हो जाती है, और इसमें जुड़ने के बाद वो 1160 हो जाती है, और bond order कितना हो जाता है? 1.5 from 2 to 1.5 हो जाता है. Got it? So this is deoxymyoglobin, this is oxymyoglobin. Okay, अब क्या करते हैं, एक बार differentiation कर लेते हैं, differentiate कर लेते हैं दोनों को, deoxymyoglobin और oxymyoglobin को, क्या इनके बीच difference होता है, ठीक है ना? तो देख लेते हैं, एक साइड हम लिख लेते हैं deoxymyoglobin और एक साइड हम लिख लेते हैं oxymyoglobin. Okay. So, अगर मैं डीऑक्सी मायोग्लोबिन की बात करूँ तो इसमें वाटर जुड़ा है 5th पोजीशन पे, बस यही डिफरेंस है. इसमें O2 डाइऑक्सीन जुड़ा है 5th पोजीशन पे, ठीक है ना? ओके. सो जो वाटर होता है एज कंपेयर टू O2, दिस इज योर हाई स्पिन एंड दिस इज योर लो स्पिन एज कंपेयर टू वाटर. सो दिस इज लो स्पिन, दिस इज हाई स्पिन, सो दिस इज अ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स. सो हाई स्पिन होगा और स्टेट कौन सा है? एफी सेकंड है, तो आउटर मोशन में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6. सो T2Z में कितना आ जाएंगे आपके? 4. एंड EZ में कितना आ जाएंगे आपके? 2. कैसे क्या है देख लो, ये आपका T2Z है, ये आपका EZ है, क्योंकि आपका ऑक्टाइडल एनवायरनमेंट है इसलिए मैं ऐसे बना रहा हूँ. ये आपका EZ है, सो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है. तो आपका और हाई स्पिन है, हाई स्पिन है तो पहले 1-1 किलो होगा, फिर ऊपर जाएगा. सो 1, 2, 3, 4, 5, देन अगेन 6. सो T2Z में कितने हो गए? 4. EZ में कितने हो गए? 2. गॉट इट ना? ओके. सो T2Z में 4 है, EZ में 2 है. अब मैं इसका CFSC निकाल लेता हूँ. क्या निकाल लेता हूँ? CFSC कैसे निकालोगे? T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4. इंटू T2G का जो वो होता है डेल्टा होता है वो कितना होता है? -0.4. ओके. प्लस EZ में कितने हैं? 2. इसका होता है 0.6. दैट इज योर -1.6 प्लस 1.2, दैट इज योर -0.4. तो योर CFSC इज 0.4. ओके. And as you can see here, there are free electrons are over there. Means you can say not free, you can say non-paired electrons are there. Non-paired electron है ना T2G में और EZ में भी है. So यहाँ पे 4 है, तो 2 non-paired electron है और यहाँ पे आपका 2 है. तो unpaired electron है, कितने unpaired electron है? 1, 2, 3, 4 unpaired. चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो आप जब म्यू निकालोगे, म्यू क्या होता है? एन इंटू एन प्लस 2, दैट इज 4 इंटू 4 प्लस
2 means 6 into 4, 24, under root 24, that is around 5.59 something. So your mu will be 5.59 Bohr's magnetron. Okay, so this is a diamagnetic compound. Sorry, paramagnetic compound. और क्योंकि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये आपका ESR भी एक्टिव होगा. Got it? Now, in second case में देखते हैं oxymyoglobin. Oxymyoglobin कैसा है? Low spin Fe plus 2. क्या होगा? 6 इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो आपको हो जाएगा T2G6, Eg0. सब इलेक्ट्रॉन 6 में चल जाएंगे. Okay? So, CFSC क्या हो जाएगी आपकी? CFSC हो जाएगी, कितने? 6 into minus 0.4, आगे 0 होगा, so minus 2.4. So, CFSC आ जाएगी 2.4. So, the CFSC of this is more than the CFSC of this. Okay? And the mu will be 0 because there is no unpaired electron. Unpaired electron नहीं है, तो mu 0 होगा, तो ये आपका कैसे compound होगा? Diamagnetic compound होगा. Got it? And ESR क्या होगा? Inactive होगा because there is no unpaired electron. तो देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. आपका डीऑक्सी हाई स्पिन होता है, ये लो स्पिन होता है. ड्यू टू बटर हाई स्पिन होता है, वो लो स्पिन होता है. ये हाई स्पिन है, 6 है, तो T2G4 होगा, Eg2 होगा. देन आपका CFSC माइनस 0.4 आ जाएगा और म्यू इसका 5.59 बोर मैग्नेटॉन. सो दिस इज योर पैरामैग्नेटिक कंपाउंड एंड ESR एक्टिव होगा बिकॉज नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है. इसमें नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये आपका ESR इनएक्टिव होगा. सॉरी, तो दिस इज योर ESR इनएक्टिव और ये क्या होगा आपका डायमैग्नेटिक होगा. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, उतार लो. ओके, अब यहाँ पे एक केस क्या होता है, ध्यान से देखो. इसका जो CFSC आया था माइनस पॉइंट. ओके, अब जो आपका CFSC होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयनिक रेडियाई. इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयनिक रेडियाई के. मींस अगर मैं कहूँ तो इसमें आपका जो CFSC है वो कम है, इसमें CFSC ज़्यादा है. उसमें CFSC, जिसमें CFSC कम है तो उसका आयोनिक रेडियाई क्या होगा? ज़्यादा होगा. यानी कि इसमें जो Fe आयन है उसका रेडियाई ज़्यादा होगा, Fe प्लस 2 का इसमें रेडियाई ज़्यादा होगा. और इसमें Fe प्लस 2 का रेडियाई कितना होगा? कम होगा. इसमें Fe प्लस 2 का रेडियाई लेस होगा, इसमें ज़्यादा होगा. सो इसका क्या इफेक्ट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है, वो हम देख लेते हैं. मिटा दूँ. ओके, क्या है देखो, जो आपका डीऑक्सी वाला है उसमें आपका Fe का जो आयनिक रेडियाई है वो ज्यादा है. तो क्या होता है जनरली, ये आपका पोर पायरिन रिंग है, यहाँ बीच में Fe है. सो जनरली क्या होता है, क्योंकि जो Fe का रेडियाई ज्यादा है तो वो इस रिंग में फिट नहीं हो पाता, वो इससे थोड़ा ऊपर रह जाता है. मैं ऊपर कैसे बनाऊं, इधर थ्रेडियो में यहाँ पे बना देता हूँ. Fe का है, जैसे ये आपका पोर पायरिन रिंग है तो Fe इसके थोड़ा ऊपर है. वो कितने ऊपर होता है, वो डिस्टेंस आपकी होती है 0.75 एंगस्ट्रॉम. यानी कि ये रिंग से 0.75 एंगस्ट्रॉम ऊपर होता है. और इन केस ऑफ ऑक्सी जो आयरन 2 प्लस होता है वो इस रिंग में फिट हो जाता है क्योंकि उसकी रेडियस छोटी होती है. आए यहाँ तक समझे, और इसमें आपका ऊपर होता है 0.75 एंगस्ट्रॉम ऊपर होता है. ओके, गॉट इट, आया समझ में, उतार लो. सो दिस वॉज योर मायोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन इज अ ऑक्सीजन स्टोरेज कंपाउंड इन आवर बॉडी. सो ये क्या करता है, ऑक्सीजन को स्टोर करता है. मायोग्लोबिन क्या करता है, स्टोर करता है ऑक्सीजन को इन आवर बॉडी वेयर इन टिश्यूज और मसल. ठीक है ना, टिश्यूज और मसल्स में ये क्या करता है, O2 को स्टोर करता है. और वो जो O2 वहाँ पे स्टोर होती है वो बाद में जाके हमारी सभी बायोलॉजिकल जो भी वर्क होते हैं, जो भी बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट होती है O2 की, वे वहाँ पे जाके O2 को यूज़ हो जाता है. ठीक है ना, तो ये था आपका O2 का स्टोरेज. कौन करता है, मायोग्लोबिन करता है हमारी बॉडी में. इससे बाद में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे
ट्रांसपोर्टर और ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टर कौन है, ऑक्सीजन को कौन ट्रांसपोर्ट करके टिश्यूज में ले जाता है जहाँ पे उसे मायोग्लोबिन क्या करता है स्टोर कर लेता है, वो हम पढ़ेंगे हीमोग्लोबिन है वो। और फिर उसके बाद में हम अभी कम से कम 2-3 क्लास और होगी, सो हम अराउंड 3 और 4 क्लास में इसे ख़त्म कर देंगे। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जितना आपने पढ़ा है उसे अच्छे से पढ़ लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।